बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दीमेंजा ग्रुप रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त मेंजा ग्रुप के प्रोजेक्ट सेक्टर ई बैरियर टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी में मौजूद हूं। मैंने कहा जहां तक काम हुआ है इसकी अपडेट आपको देते हैं, कुछ आपसे रहनुमाई लेते हैं कि हमारा काम कैसा हो रहा है, ये आप कमेंट्स बॉक्स में जाके हमें बता सकते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी दीवारें जो है ये देख सकते हैं 4 फुट तक मुकम्मल हो गई हैं, ये आप देख सकते हैं। मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपको बताया था पहले भी कि हमने एक लेंटर डाला, उसके बाद जब काम शुरू किया तो इसके ऊपर तकरीबन 4 फुट तक 15,000 ईंट जो है वो लग चुकी है। ये तकरीबन 16,000 ईंट ऊपर फेंकी थी जिसमें 1500 के करीब तकरीबन बच गई थी, 15,000 जो है वो लग गई थी। तो उसके बाद जो है ये ख़त्म हो गई थी ईंटें। आज ईंटें चढ़ाने वाले भाई असगर भाई फिर आ गए हैं, तो ईंटें वो चढ़ा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ईंटों की गड्डी आज सुबह सुबह आई है, तो इनको कॉल की है, ये दस्ती पहुँचे हैं। असगर भाई रेत भी पूरी कर देना। असगर साहब पंप का दे आस्ते रखे आज सर जी, हवा भरने वास्ते। अच्छा, बड़ी गल है जी, नवी टेक्नोलॉजी। ये देख सकते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था कि आजकल जो है पहले मोटे वाला काम तो हो गया ख़त्म, मशीनों के साथ ईंटें चढ़ाई जाती हैं और इससे टाइम भी बचता है। एक रेडी में कितनी ईंटें होती हैं सर जी? 82। 82 ईंटें एक रेडी में चढ़ा रहे हैं। मोटे पे तकरीबन 26 ईंटें जो है वो लेके ऊपर आते थे, बड़ा इनका भी जोर लगता था और जैसा कि मैंने पहले बताया था वो वाइब्रेशन भी होती थी छत के ऊपर। तो ये आप चिनाई देखें जी मरीज सैन की हुई, इसमें मैंने आपको डिटेल के साथ बता तो दिया था। इसके 3 बेडरूम ऊपर हैं, 3 वॉशरूम हैं, 1 स्टोर इसको लॉन्ड्री स्टोर बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, वो आपको दिखाएंगे साथ साथ। तो टीवी लॉन्च भी ये आप देख सकते हैं, बड़ा टीवी लॉन्च है ये आप देख सकते हैं, और बेडरूम का साइज़ भी बड़ा है ये आप देखें, और इसकी बैक साइड पर 2 वॉशरूम इंशाल्लाह ताला कल जो है ईंटों की तराई लगाएंगे। आज ईंटें ये ऊपर चढ़ा देंगे तो उसके बाद जो है परसों इंशाल्लाह बेरोज़ हफ्ते को जो है काम दोबारा शुरू किया जाएगा। एक गाड़ी आज आई है, ये एक गाड़ी में तकरीबन 6,000 ईंट होती है, ये आप देख सकते हैं। असद भाई ये रेहड़ियाँ भर भर के आगे कुंडा डाल रहे हैं और ऊपर से रेहड़ियाँ असगर भाई जो नीचे छोड़ देते हैं, ये आप देख सकते हैं। पहले वाली नीचे आ जाएगी, ये देखें दूसरे जो अभी इन्होंने भर के ईंटों की रेडी आगे की है उसको ये दिखाते हैं आपको कैसे कुंडा डाला जाता है। ये देखें जी, ये देखें क्या बात है। अच्छा, 1500 ईंट जो है ना अभी आपने फेंकनी है ऊपर, बाकी पूरी हो गई है तकरीबन, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालनी। नाजरीन, इसकी लोकेशन इस इलाके की बहुत ही ज़बरदस्त है, और पहले मैं आपको ये भी साथ बता दूं, ये आप देखें ये एक लेंटर डाला था, एक लेंटर डालने के बाद कुछ देर काम बंद रहा है, उसके बाद हमने नया काम ये शुरू किया। थोड़ी सी आपके साथ लोकेशन शेयर करते हैं, सेक्टर ई की गलियां भी बड़ी हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। पहले आपको बता दूं मेंजा ग्रुप का ये प्रोजेक्ट सामने 635 नंबर प्लाट जेरे कंस्ट्रक्शन है, एक लेंटर के बाद दूसरे लेंटर की चिनाई का काम शुरू कर दिया गया है जो कि 4 फुट तक मुकम्मल हो गई है, उसके बाद 3 फुट और लगाएंगे, 7 फुट पे इसका जो है कॉलम बीम डाले जाएंगे, वो भी आपको साथ साथ दिखाएंगे। हमारे घर के सामने 2 दरख्त है ये माशाल्लाह जी, पहले से ही ये हमें गर्मियों में काफ़ी फ़ायदा देंगे, क्योंकि जब काम लगा होता है फिर हर बंदा मिस्त्री मज़दूर साया ढूंढते हैं, तो साये के लिए दरख्त भी हैं, और वैसे तो ऑलरेडी एक लेंटर डल चुका है मगर ये हमें काफ़ी फ़ायदा दे सकते हैं। और इस गली में ये है जी कि इसमें तकरीबन कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो चुकी है, बहुत खूबसूरत घर बने हुए हैं, इसमें बड़ी रोड है, फुटपाथ वाली रोडें हैं, और ये भी बैरियर टाउन का काफ़ी हाइट पे इलाका है, और इस गली में सिर्फ 3-4 प्लाट रह गए आमने सामने, बाकी तकरीबन कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं जी। नाजरीन, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी है ये हमें कमेंट्स बॉक्स में जाके बताना है। आज की वीडियो यहाँ पे करते हैं ख़त्म, जहाँ भी रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।